सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं पहुंच गया हूँ अपने क्लब के मेन डोर के बाहर। तो चलते हैं अंदर, और यहाँ बस विपिन चाय चुई बनाई, कुछ सब रेडी, पहले पीते हैं चाय फिर बताता हूँ मैं आपको आगे आज हमने क्या करना है। सो गाइज, चाय चुई हमने पी ली है, अब चलते हैं अपने काम की तरफ। तो पहनते हैं पहले ग्लव्स। ग्लव्स हैं मेरे, ये हैं मेरे ग्लव्स, तो ग्लव्स पहनेंगे उसके बाद करते हैं काम चालू। दिखाऊंगा मैं आपको बाहर। सो ग्लव्स हो गए हमारे रेडी, ये थोड़ा सा फट गया है, देखो फटे हुए ग्लव्स से करना पड़ता है। पर कोई नहीं, काम चल जाएगा अपना, तो करते हैं काम चालू। गाइस, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे को गर्म पानी भी चाहिए, तो शाबाश बेटा। तो मैं करता हूँ पहले गर्म पानी, बिना गर्म पानी के काम चलेगा, अभी आपको आगे पता चलेगा वीडियो में। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ, मजा आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आएगा तो एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब का बटन हिट करना उसको। तो करते हैं फटाफट पानी गरम। गाइस, पानी हो गया हमारा गरम, और अब मैं बताता हूँ क्या काम करने वाले हैं आज हम। ये देखिए कितना गंदा हो रखा है, सामान भी ऐसी पड़ा हुआ है इसके अंदर। ये देखिए पूरा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है, और काफ़ी टाइम से फ्रिज भी साफ नहीं करा था, तो आज करेंगे हम इसकी सफाई। इससे पहले निकालते हैं इसका सारा सामान बाहर, तो निकालते हैं फटाफट इसका सामान बाहर, फिर बताता हूँ आगे। गाइस, ये देखिए सामान तो निकाल दिया पूरा बाहर, ऐसा लग रहा है संडे मार्केट में सामान बिक रहा होगा। और ये देखिए हालत इसकी, गंदा हो रखा है पूरा, ये देखिए पूरा गंदा हो रखा है फ्रिज। तो करते हैं इसकी सफाई फटाफट से, उससे पहले मैं बताता हूँ आपको अपना सेटअप क्या क्या, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या क्या, अरे कहना क्या चाहते हो, क्या बोलेंगे उसको, क्या क्या सामग्री है मेरे पे जिससे मैं इसको साफ करूंगा। तो सबसे पहले तो ये है एक ट्रे जो मैं यहाँ लगाऊंगा, और इस बटन को यहाँ से खोल दूंगा, खुलने चाकू से खोलना पड़ेगा इसको। ऐसे करके खुलेगा इसके अंदर से, ताकि जितना भी पानी होगा सारा बाहर निकल जाएगा। और ये इधर रखा है गर्म पानी, हाथ जैसे ही ठंडे हुए सीधा इसमें डुबाने का। और ये है एक, ये आइस रिमूवर है ये वाला, इसको पहले साइड रख देता हूँ मैं। इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घिसते हैं, जिससे सारी आइस निकल जाती है साइड साइड से, जितनी भी है जमी हुई। तो निकालते हैं फटाफट आइस, आधा से ज़्यादा बर्फ तो निकल गई यहाँ से। और ये देखिए एक बाल्टी भर के बर्फ़ यहाँ निकाली है, अभी थोड़ी सी बच रही है, और ये पानी डाल के निकलेगी, ये बाकी साइड साइड से तो पूरा निकाल दिया है। तो फाइनली गाइस हो गई है सारी बर्फ साफ, अब इसमें बजेगा कपड़ा नहीं उसको चकाचक करने के लिए। देखिए थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं इसमें अभी भी, तो मारते हैं कपड़ा फटाफट। गाइस
हो गया हमारा फ्रिज पूरा चकाचक, देखिए वाइट। और अब इसके बाद लगाते हैं इसमें फटाफट सामान, नहीं तो सामान सारा मेल्ट हो जाएगा। देखिए मेल्ट होने भी लग गया है कुछ कुछ, ये देखिए यहाँ पे गिरने लग गया है, इधर पानी वानी गिरने लग गया है। तो करते हैं इसको फटाफट सेट। सो गाइस हो गया फाइनली हमारा फ्रिज टकाटक, डीप फ्रिज हो गया हमारा बिल्कुल चकाचक साफ, और सामान भी कर दिया हमने अंदर। और अभी आया था मैं अंदर थोड़ा इसकी सेटिंग करने के लिए। ये है रेवोली होममेड पास्ता, जिसको हम मतलब खुद ही बनाते हैं यहाँ पे, तो इसको सेट करते हैं। उसके बाद इसको भी डीप में डालेंगे, फिर मैं दिखाऊंगा आपको डीप पूरा चकाचक कैसे करा है मैंने, मतलब कि कैसे दिख रहा है साफ होने के बाद और सामान सेट होने के बाद। उस टाइम तो आपने देखो कितना गंदा सा लग रहा था, मैं इसी सा हो रखा था। तो अब दिखाऊंगा मैं आपको बिल्कुल क्लीन नीट एंड क्लीन डीप और बिल्कुल प्रॉपर सामान सेटिंग के साथ। तो इसको करते हैं सेट, उसके बाद इसको भी रखते हैं डीप में, फिर दिखाता हूँ मैं आपको आगे व्लॉग में। सो गाइस देखिए ये हो गया सारा सेट सामान, ये देखिए बढ़िया से। तो गाइस अभी आपने देखा होगा पिछली वाली क्लिप में कि नहीं कैसे मतलब सेट कर रखा था मैंने फ्रिज। अगर आपको अच्छा लगे ऐसा सेटअप तो एक लाइक और एक कमेंट तो जरूर करिएगा। और अभी आ रखा है ऑर्डर, तो फटाफट से ऑर्डर मारते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करते हैं। बट पहले ऑर्डर मारते हैं फिर आगे बात करते हैं। गाइस फाइनली हमारा मीज़ा वीज़ा हो गया है, फ्रिज साफ करने वाले हमने मीज़ा वीज़ा करा था। उसके बाद अभी ये देखिए इधर नीचे यहाँ मैं गार्लिक छिल रहा हूँ, और इधर ये विपिन, इधर ये देखिए विपिन के लिए तो यहाँ पे टमाटर का भंडार लगा हुआ है। ये टमाटर काटेगा सॉस बनाएगा, और उससे पहले हम करते हैं अभी लंच। ये लंच, और लंच में बना रही किसने पुलाव झटके वाला, तो खाते हैं लंच फटाफट से और उसके बाद करते हैं बनाते हैं मतलब ये सारा सॉस और गार्लिक करते हैं चॉप। सो फाइनली दोस्तों हमारा किचन हो गया क्लोज, और आगे मैं व्लॉग इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि काम था। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। तो इसलिए ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाया शूट करने का। और जो मैं बता रहा था आपको कि सॉस बनानी है, सॉस तो मैंने आपको पिछली एक वीडियो में भी बना रखा है मैंने, मतलब सॉस कैसे कैसे बनाते हैं हम लोग। तो जिसको देखनी हो या सीखनी हो सॉस बनाने का तरीका, तो वो वाली वीडियो देख ले। नहीं मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट सबको। और व्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।